Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So today we are going to start our second model, that is Rutherford model of atom. Yes madam, but before going to the Rutherford model, it is very important to study about the Rutherford scattering experiment. Okay, Rutherford scattering experiment ko samajhna bahut zaruri hai. Why? Because based on this experiment he gave the model of atom. इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने अपना नया मॉडल रखा था, मॉडल ऑफ एटम. ओके, कि आफ्टर द फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल. अब थॉमसन ने तो क्या किया था कि एक जस्ट अजम्पशन के बेस पे बोल दिया कि एटम ऐसा होता है, एटम इज जस्ट लाइक ए स्फीयर, है ना. उसने वाटरमेलन से उसका अजम्पशन करवा दिया, क्रिसमस पुडिंग से बात कर दी हमने. तो इसलिए हम थॉमसन मॉडल को और क्या बोलते थे, प्लम पुडिंग मॉडल, है ना. वो एक अजम्पशन के बेस पे मॉडल था, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था. तो उसके बाद रदरफोर्ड आया. रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अब वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था कि वो मॉडल एटम के मॉडल के लिए नहीं कर रहा था. अब देखिए, साइड बाय साइड एक साइंटिस्ट आए, हेनरी बैक्यूरल, इन 1896 जब बहुत सारे काम चल रहे थे, एटम की डिस्कवरी, एटम के ऊपर बात हो रही थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी चल रही थी, बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग अपने रिसर्च वर्क पे लगे हुए थे. तो उसी केस में एक साइंटिस्ट है, हेनरी बैक्यूरल, इन 1896 ही डिस्कवर्ड ए न्यू सब्सटेंस, दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो उसने रेडियो एक्टिविटी की नई एक डिस्कवरी कर दी थी 1896 में. उसने बोला था कि कुछ सब्सटेंस जो है वो इतनी ज्यादा एक्टिव है कि उनके अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन निकलती है कि दे कैन डैमेज द एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दे आर वेरी हार्मफुल. वो बड़ी हार्मफुल रेडिएशन है. तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, हम रेडिएशन से बचने के, रेडिएशन के ऊपर काम कर रहे थे कि हम ऐसी कितनी प्लेट की थिकनेस रखें या कोई ऐसा कोई मटेरियल तैयार करें जो इन रेडिएशन से हमें बचा सके, क्यों उस मेटल प्लेट को बैन डाल के या किसी भी डालकर रिसर्च वर्क किया जा सके. तो दैट मीन्स सब के सब साइंटिस्ट उन रेडिएशन से बचने का अपना कोई नया एक्सपेरिमेंट, नया कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे. तो इन दिस वे रदरफोर्ड वाज आल्सो डूइंग द एक्सपेरिमेंट. तो रदरफोर्ड भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था. उसने भी क्या किया, ही प्लेस द रेडियम. रेडियम क्या था, एक हमारा हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो उसके अंदर से हाईली स्ट्रॉन्ग रेडिएशन निकल रही थी, कौन सी थी, वो अल्फा रेज. उसने क्या किया, रेडियम को एक ग्लास बॉक्स के अंदर प्लेस किया. ये ग्लास बॉक्स है हमारा, ग्लास बॉक्स, और एक स्लिट लगाई. स्लिट क्या थी, एक छोटी सी पतली सी एक होल की साइड में, होल की करके बीच में एक प्लेट लगा दी ताकि जो रेडिएशन है वो सीधा उस होल से पास आउट हो और सीधा गोल्ड फॉइल के ऊपर टकराए. उसने गोल्ड फॉइल रखी, बहुत ही थिक गोल्ड फॉइल रखी और वो गोल्ड फॉइल पे टकराई. ठीक है, रखने को और सब चीजें भी रख सकता था, बट उसने गोल्ड, उस टाइम उसने गोल्ड फॉइल के माध्यम से माइंड में आई, उसने गोल्ड फॉइल रखी और गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज को स्ट्राइक करके देखा उसने क्या रिजल्ट मिला. तो उसने क्या किया, वो अलग अलग चीजें ऑब्जर्व की कि व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और यहाँ पे उसने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन अटैच कर दी ताकि जो रेडिएशन है वो इधर उधर ना फैले ज्यादा. और उस जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ अंदर की साइड में आप देखो ये लगा दिया फ्लोरोसेंट मटेरियल ताकि अगर रेज इधर से आए, वो रेज इस पर गिरे तो रेज हमें चमकती हुई नजर आए, या कुछ फ्लोरिसेंस दे, कुछ इल्यूमिनेशन दे, है ना. अब वो रेज दिखाई देंगे नहीं तो कुछ इल्यूमिनेट हो वहां पर जाकर. तो यहाँ पर अंदर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया हुआ था. तो उसको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, when he was performing the scattering experiment, he observed कि most of the rays, that means 99% rays directly passed. ये सुना? अब ये कैसे पता चला उसको कि जब उसने देखा जो फ्लोरोसेंट मटेरियल दिखा लगा था तो उसको यहां पर बहुत सारे डॉटेड 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 ऐसे क्या दिखाई दिए, निशान दिखाई दे रहे थे उसको, ऐसी इल्यूमिनेशन नजर आ रही थी. उसको अंदाजा लगाया कि ज्यादातर जो रेज है सीधा निकल के जा रही है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या मिली उसको, कि सम ऑफ द रेज गेट रिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स. कुछ रेज हैं कि स्मॉल एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होगी, ये देखी भी हो सकता है कुछ जो पॉइंट इल्यूमिनेट के इल्यूमिनेशन पॉइंट यहां पे नजर आए उसको, कि सम ऑफ द रेज गेट रिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स. एंड थर्ड पॉइंट क्या लग रहा है, कि वेरी फ्यू रेज गेट रिफ्लेक्टेड और डिफ्लेक्टेड बैक. फिर कुछ रेज उसको लगा कि वापिस भी आ रही है टकरा के, वेरी फ्यू रेज मीन्स नेग्लिजिबल अमाउंट में. वी कैन से कि वन रे आउट ऑफ 20,000.
कि बहुत कम रेज है जो वापस भी आ रहे। तो ये उसकी तीन ऑब्जर्वेशन थी कि व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की। ओके, तो इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने अपना कंक्लूजन बनाया। क्या कंक्लूजन बनाया? देखिए, कंक्लूजन की अगर हम बात करें, अब रेज इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या कंक्लूड किया कि वी सी जो मोस्ट ऑफ द रेज आर डायरेक्टली पास्ड, है ना, कि ज्यादातर रेज सीधा निकल गई, मोस्ट ऑफ द रेज डायरेक्टली पास्ड, है ना। सो दैट मींस कि देयर इज, दैट मींस कि देयर इज ए लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन द एटम, भी एटम के बीच में बहुत सारी खाली जगह है। उन्हें यह अंदाजा लगाया कि ज्यादातर रेज सीधा निकल गई तो एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह है, है ना। तो ये किस बेस पे अंदाजा लगाया उसने? देखिए, अगर हम एक एटम को, ऑब्वियसली जो रेडिएशन है वो किस में से निकल रही थी? मेटल प्लेट के अंदर। मेटल प्लेट क्या ली थी? गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल तो ऑब्वियसली उसके अंदर एटम्स तो थे ना। तो अगर उसने क्या दिया है कि एटम ऐसा है, देखिए, है ना, और जो रेज यहां से निकली डायरेक्टली पास, यहां से निकली डायरेक्टली पास, जो इधर से गई वो भी गई यहां से। तो जो रेज यहां से निकल रही थी दे डायरेक्टली पास्ड। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या ली उसने कि सम रेज रिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, सो ही कंक्लूडेड, ही अज्यूम्ड, उसने क्या अंदाजा लगाया कि इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है? बिकॉज अल्फा रेज इटसेल्फ हैव पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेज के ऊपर खुद पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब कोई पॉजिटिव रेज इसके पॉजिटिव के पास से जाएगी तभी तो रिफ्लेक्ट होगी ना। अल्फा रेज जो आ रही थी हमारी, उनके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि सेंटर में कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, कि जब एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के पास से गुजरेगा तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। नेगेटिव होता तो अटैच हो ही जाता, वो नेगेटिव होता तो उसके साथ जुड़ जाता। पॉजिटिव पॉजिटिव एक देश से चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज भी है। थर्ड उसने क्या ऑब्जर्वेशन की कि सम रेज रिफ्लेक्टेड बैक तो दैट मीन्स कि सम हैवी बॉडी, हैवी बॉडी इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर। कि सेंटर में कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट है। व्हाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ हैव वेरी हैवी मास। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर बहुत बात नहीं, अल्फा पार्टिकल्स इटसेल्फ हैव वेरी हाई मास। अल्फा पार्टिकल पे खुद पे भारी मास होता है बड़ा, दैट इज फोर टाइम्स ऑफ यूनिट प्रोटॉन, यूनिट इवन लगभग चार गुना। अल्फा पार्टिकल है क्या? जस्ट हाउ हीलियम पार्टिकल्स, है ना। तो अल्फा पार्टिकल जो खुद में अपने आप में भारी होते हैं, इसलिए जो पार्टिकल बिल्कुल डायरेक्ट टकराए सीधा स्ट्रेट में जाकर जो पार्टिकल टकरा गया तो वो उस हैवी बॉडी से टकराया और वो टकरा के वापिस आ रहा है। तो यहां पर हैवी बॉडी किसको बोला जा रहा है? वो न्यूट्रॉन को बोला जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन्स है उसका मास भी हमें पता है प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। यह सुनो, पड़ गया है ना पीछे डिस्कवरी में कि जो न्यूट्रॉन्स है उसका मास इक्वल टू प्रोटॉन ही होता है, तो इसका मतलब और न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां से उसने अंदाजा लगाया कि न्यूक्लियस एटम के जो सेंटर में पॉजिटिव पार्ट भी है और कोई हैवी बॉडी भी है। ओके, और ज्यादातर जो जगह है वो खाली है एटम के अंदर, जहां से रेडिएशन सीधा निकल के जा रही है। तो बेस्ड ऑन हिज कंक्लूजन ही गेव द न्यू मॉडल ऑफ एटम। इन कंक्लूजन के बेस पे उसने एटम का नया मॉडल दिया। ओके, तो मॉडल ऑफ एटम क्या था जो उसने दिया, नया मॉडल ऑफ एटम? तो चलिए अब हम एटम मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या मॉडल ऑफ एटम नया दिया, चलिए